आज पीएम मोदी समेत बीजेपी के साथ मंत्री डालेंगे एमपी में डेरा, जनता से मांगेंगे वोट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के विधानसभा को लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब केवल 11 दिन ही शेष बचे हैं। अब बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी में डेरा डाल दिया है। रविवार 5 नवंबर को बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीएम सहित 7 केंद्रीय मंत्री जनसभा सहित प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार सुबह 10:50 पर उमरिया के बांधवगढ़, दोपहर 12 बजे शहडोल के ब्योहारी, दोपहर 12:55 पर सीधी के धौहनी, दोपहर 1:55 पर चुरहट, दोपहर 2:55 पर सीधी के सिंहावल और शाम 4 बजे सिंगरौली के चितरंगी में स्थानीय कार्यक्रम और जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:10 पर सीएम सिंगरौली में स्थानीय कार्यक्रम रोड शो करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर सुबह 11:30 नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर विधानसभा के रामपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे नरेंद्र सिंह तोमर रायसेन जिले की सांची विधानसभा में जनसभा, दोपहर 2:20 पर उदयपुरा विधानसभा में जनसभा और दोपहर 3:40 पर भोजपुर विधानसभा के सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा सुबह 10:45 पर छतरपुर जिले के राजनगर के उत्सव पैलेस, दोपहर 12:45 पर चंदला विधानसभा के वैश्य समाज धर्मशाला चंदला मार्केट, दोपहर 3 बजे पन्ना विधानसभा के लौकुश वाटिका में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद विष्णु दत्त शर्मा शाम 4:15 पर पन्ना के गोविंद धाम में मंडल बैठक, शाम 5:20 पर पवई विधानसभा के पन्ना के संदीपनी गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन, शाम 7 बजे कटनी जिले के बहोरी बंद विधानसभा के जय रत्नम गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सुबह 11:00 संत हिरदाराम नगर के मुस्कान गार्डन के सभागृह में हजूर विधानसभा के जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।